महोराधा जोशी राधिका किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की गुड़ पापड़ी जो बच्चों को काफी पसंद है। ये ठंडी में सभी पसंद करते हैं इसे और घर में बनाएगा तो कुछ अलग ही स्वाद आता है गुड़ पापड़ी का। जैसे गुड़ तो हमारे सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं, हमारा खाना को पाचन करता है और मूंगफली में सारे प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो ये ठंडी में जरूर खाना चाहिए और घर में बना के आप जरूर बनाइए। चलिए फिर गुड़ पापड़ी कैसे बनाए जाते हैं, हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। 250 ग्राम हमारी मूंगफली है, और 200 ग्राम लेंगे हम गुड़। आधा चम्मच लेंगे हम बेकिंग सोडा, 2 चम्मच लेंगे देसी घी। गुड़ को हम तोड़ लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। बीच बीच में हिला के इसके जो बाहर के छिलके हैं इसे हम निकाल लेंगे भून के। देखिए भून गई है, अब छिलके जो हमने हटा दिया है, मूंगफली को तोड़ दिया है, ये देखिए। अब सबसे पहले हम घी मेल्ट करेंगे। अब ऊपर से गुड़ ऐड करेंगे। इन दोनों को मेल्ट करके पका लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए गुड़ हमारा पक गया है, एकदम अच्छा बना है। ऊपर से हम जो मूंगफली हमने छिलका निकाला है भून के रखा वो ऐड करेंगे। अब बीच बीच में हम चलाएंगे इसको, दोनों को साथ में पकाना है, मूंगफली को पकाना है, एकदम अच्छी तरह से हिलाना है इसको। तो ऊपर से हम जो बेकिंग सोडा है सोडा को डाल दिया है, अच्छी तरह से इसको हम हिला लेंगे। देखिए पक गए हैं ये देखिए, एकदम गाढ़ी बनाना है गुड़ और मूंगफली को अच्छी तरह से पकाना है एक साथ। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सुनहरा कलर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए आप एक बटर पेपर लेंगे एक बॉल में, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, फैला लेंगे इसको चारों तरफ, फैला लेंगे बटर पेपर में। ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है, 5 मिनट हो गया इसे। ऊपर से हम इसे पीस करेंगे चाकू से अच्छी तरह से, थोड़ा गर्म में पीस करने के लिए अच्छा रहता है, ज्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर नहीं बनता है, टाइट हो जाता है। अब इसे हम थोड़ा निशाना लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने कटिंग कर लिया, पीस कर लिया इसकी,
ये कभी भी आप बना के खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती और बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही काफ़ी टेस्टी लगते हैं, सभी इसको खा सकते हैं। घर में बनाए हुआ तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब होते हैं, आप कभी भी इसको खा सकते हैं। देखिए आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।